फ्रेंड्स, एसएच हाउस डिज़ाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 15 फीट बाई 18 फीट में ये प्लान बना हुआ है, जो कि 270 स्क्वायर फीट में होगा। 30 गज में ये प्लान बना हुआ है। साउथ डिज़ाइन से आप 250 पौने 300 स्क्वायर फीट तक का आप आइडिया ले सकते हैं। छोटा घर है लेकिन बहुत ही अच्छी प्लानिंग की गई है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस प्लान की वेंटिलेशन डायमेंशन, इस प्लान की कॉस्ट वगैरह क्या है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कि 3 साइड क्लोज प्रॉपर्टी, आप किसी भी साइड विंडोज़ वगैरह नहीं दे सकते। इस साइड अपना प्लांटेशन वगैरह लगा पाएंगे। इस साइड इसका ये मेन गेट मिलेगा, जो कि हमने 2 साइड आयरिंग का डोर प्रोवाइड किया। 5 फीट का गेट मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी बड़ा गेट मिलेगा। इसी गेट से एंट्रू दी काफ़ी आपको ये पार्किंग एरिया मिलेगा। इस पार्किंग एरिया की बात करें तो आपकी 5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 6 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसी साइड आपकी बाइक वगैरह इजली पार्क कर पाएंगे। इसी साइड अपना सेपरेट टैंक या वाटर टैंक भी आप इजली बना पाएंगे, जिसमें अपना वाटर वगैरह स्टोर कर पाएंगे। अब ठीक इसी ग्राउंड देखें तो हमने फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए स्टेयर्स प्रोवाइड किया। स्टेयर्स की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 6 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 9 फीट की होगी। एक साइड की स्टेयर्स की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 3 फीट की होगी। स्टेयर्स के नीचे चाहें तो एक आप कॉमन टॉयलेट या आप स्टोर रूम वगैरह बना पाएंगे। फर्स्ट फ्लोर को चाहें तो इजली आप रेंट आउट भी कर पाएंगे, जो कि हमने बाहर से सेपरेट स्टेयर्स प्रोवाइड किया है। अब ठीक इसी के अराउंड ये आपको एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे बेडरूम का गेट होगा। इसमें हमने 3 फीट का गेट प्रोवाइड किया। इसी गेट से एंट्रू दी का फिर आपको ये बेडरूम मिलेगा। अब इस बेडरूम के एरिया की बात करें तो आपकी 9 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 11 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके डबल बेड्स, कैबिनेट्स वगैरह इजली एडजस्ट कर पाएंगे, जिसमें इजली अपने गेस्ट वगैरह को इसी साइड बिठाल कर अपना टीवी वगैरह दिखा पाएंगे। सामने में देखें तो हमने टीवी वगैरह भी लगाया, जिसमें इजली अपना देखें तो विंडो वगैरह भी लगाया, जिसमें इजली अपना इसका वेंटिलेशन वगैरह होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी बेडरूम में आती रहेगी। इसी बेडरूम से अटैच एक हमने कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया है। इसमें आपको 2.25 फीट का गेट मिलेगा। इसी गेट से एंट्रू थी का फिर आपको टॉयलेट का मेन बाथरूम हमने दिया है। इसी गेट से एंट्रू थी देखें तो आपको बाथरूम मिलेगा। अब इसकी एरिया की बात करें तो आपकी 4.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपकी टॉयलेट सीट, शावर्स और वाशिशन वगैरह इजली एडजस्ट कर पाएंगे, जिसमें इजली अपने हैंड वॉश वगैरह कर पाएंगे। आप चाहे तो 7 फीट तक अटैच लगा पाएंगे, जिसमें आपको सीलन पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अभी साइड उसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी प्रोवाइड किया है, जिसके द्वारा इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। इसकी स्मेल और स्मोक वगैरह सब इसी विंडो के द्वारा एग्जॉस्ट होती रहेगी। अब ठीक इसी के अराउंड देखो तो आपको एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे किचन का गेट होगा, जो कि हमने ये भी बेडरूम से किचन प्रोवाइड किया है। इसमें भी आपको 2.5 फीट का गेट मिलेगा। इसी गेट से एंट्रू दी काफ़ी आपको किचन मिलेगा। अब इस किचन के एरिए की बात करें तो आपकी 6.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके स्लैब, चूल्हे और कैबिनेट्स वगैरह इजली एडजस्ट कर पाएंगे। अपने सिंक वगैरह, जिसमें इजली अपने आप बर्तन वगैरह वॉश कर पाएंगे। आपकी कैबिनेट्स वगैरह इजली एडजस्ट कर पाएंगे। अब इसके वेंटिलेशन की बात करें तो आप 1 फीट बाई 1 फीट का एक ओपन जार डाल देंगे, जिसके द्वारा इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी किचन में आती रहेगी। अब इस प्लान की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो ये प्लान 3 लाख में बनने वाला है, जो कि आप चाहें तो बनवा सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।